ये गाड़ी छीनते में ये लड़का पकड़ाई गई हुई है। इसके पास से बंदूक भी बरामद हुआ है। ये लड़की इतने रात को 12 बजे रात को खैरा गांव में है, राम गटोला गांव में। छपरा जिले के नगरा प्रखंड क्षेत्र के खैरा थाना क्षेत्र के हरेराम टोला गांव के समीप से खैरा थाना पुलिस ने 26 वर्षीय युवती को एक रिवाल्वर और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। युवती छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला नगरनार गांव निवासी प्रहलाद बघेल की 26 वर्षीय पुत्री सुमित्रा बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त युवती ट्रेन से छपरा आई थी, जिसके बाद छपरा से किसी बाइक सवार से रात्रि में लिफ्ट मांग कर वो खैरा के हरेराम टोला पहुंच गई, जहां स्थानीय लोगों द्वारा इसे अकेला देखने पर रोका गया तो ये रिवाल्वर निकालकर सबको डराने लगी, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खैरा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर खैरा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ करके उसे छपरा कारामंडल भेज दिया। वहीं संबंध में खैरा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम ने बताया कि तलाशी के क्रम में युवती के पास से एक रिवाल्वर तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, साथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किया गया है। उक्त युवती यहां कैसे पहुंची सहित सभी बिंदुओं पर पुलिस गहन जांच पड़ताल कर रही है। अरे कांच लिख लिखे ये दवाई है, ये दवाई का पर्ची दिखावेला सब थाना ना सब थाना पुलिस अपने व्यवस्था कर ले ये देखिए, ये गाड़ी छीनते में ये लड़का पकड़ाई गई हुई है। इसके पास से बंदूक भी बरामद हुआ है। ये लड़की इतने रात को 12 बजे रात को खैरा गांव में है, राम गटोला गांव में। तन पानी लेकर मुंह पर मार पूजा करल जा।